subscribe now and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैजुअल इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम अपने पीसी में कोई स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करते हैं तो हम उस पर माइक किस प्रकार फिक्स करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल जान जाइए। मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा भी था कमेंट करके कि सर हम किस प्रकार यूज करें स्क्रीन रिकॉर्डर में माइक, और हमें कौन से माइक लेना चाहिए। तो मैं इसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा कौन से हमारे लिए बेस्ट माइक है। लेकिन अधिकतर अगर आप पीसी यूज करते हैं तो बोया M1 का ही माइक लीजिए, जिससे आपको साउंड भी क्लियर होगा। और जो तीन माइक्स हैं जो मैं पहले यूज करने लगा था, स्टार्टिंग में मैंने एक 250 रुपये का माइक खरीदा था जो बहुत ही बेस्ट था। उसमें पीसी में बहुत अच्छे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता था, साउंड के लिए बहुत बेस्ट था रिकॉर्ड के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अगर माइक मेरे पास आ गया है तो हम किस प्रकार यूज करें, कि कोई इशू आ रही है या साउंड में खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल खोल लीजिए। कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड पर चले आना, और यहाँ पर आपको साउंड या एडजस्ट सिस्टम वॉल्यूम पर चले आना। तो आप साउंड पर चले आइए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर प्ले बैक रिकॉर्डिंग साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम, हमें रिकॉर्डिंग फिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं माइक्रोफोन, तो ये सभी अलग अलग है। अब जिस माइक को पीसी में कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पर परफेक्टली शो होने लगेगा। जब वो चालू होगा, यहाँ पर डिसेबल ना होगा तब चालू होगा, यहाँ पर शो करने लगेगा साउंड को। जैसे मेरे पीसी में माइक्रोफोन है तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर चलता हूँ। तो आपको यहाँ पर देखना, यहाँ पर जनरल पर सेलेक्ट रहने दीजिए, और यहाँ पर लिसन पर चले आइए, फिर यहाँ लेवल्स। तो आपको लेवल्स पर ध्यान देना है। माइक्रोफोन आप अपने अनुसार चेक भी कर लीजिए कि कितना साउंड होना चाहिए जिससे हमारा जो वॉइस है वो क्लियर आ सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोफोन बूस्ट का ऑप्शन है। अगर आप जितना भी बूस्ट देंगे तो साउंड के आवाज़ को तो तेज़ करेगा, लेकिन आवाज़ बहुत ही ख़राब होगा। तो इसके कारण आपको माइक्रोफोन बूस्ट कम ही रहने देना है। अगर आप करना चाहते हैं तो अधिकतर आप 20 dB तक कर सकते हैं, इससे अधिक मत कीजिए कि साउंड फट जाती है इन कारणों की वजह से। और साउंड आप यहाँ पर धीमा तेज कर लीजिए, जिससे एडजस्टमेंट भी हो जाएगा साउंड। और यहाँ पर अगर आप एडवांस पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिया गया चैनल का, तो आप अपने साथ चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पीसी में, मेरे सिस्टम में दो ही चैनल हैं, तो इसी का शो हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहूँ तो यहाँ पर हर टच स्टूडियो क्वालिटी, यहाँ पर स्टूडियो क्वालिटी जिस प्रकार मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टूडियो बनाया नहीं है। तो इसी कारण ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहते हैं। और यहाँ पर आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ के पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये रही फर्स्ट ट्रिक जो आप अपने पीसी में फिक्स कर सकते हैं। या आप दूसरा ये कर सकते हैं कि जब आप अपने पीसी में Audacity नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, या बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा Audacity पर, अब उसके बेसिक क्लियर भी करूँगा उस सॉफ्टवेयर के, और बहुत से सॉफ्टवेयर लेकर आऊँगा जो पीसी के लिए परफेक्ट हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल जान जाइए। अगर आपको इस समय कोई भी इशूज़ हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसको रिप्लाई भी कर दूँगा, जिससे आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।